वाह, तो स्केटबोर्ड में सॉन्ग। तो भाई ने मुझे ऐसा रोड लाया, अभी सोच रहा हूँ कि घर पे जाके मुझे शायद बिम्बर या फिर टेलीविजन साबन से नहाना पड़ेगा। टेलीविजन साबन। और पीछे से ये मेरा शादी का गाड़ी आते हुए। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज फिर से हम नया ब्लॉग लेके आ चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे हमारा मिस्टी बाजा के विलेज पे, उसके विलेज पे थोड़ा कुछ काम है, तो वो काम वगैरह करके और उसका स्कूटी जो है वो दे के आएंगे हम। तो फिलहाल चलते हैं, वो तो फिलहाल मुझे वेट कर रहा है सामने, तो अभी जाकर उसके साथ मिल के फिर चलेंगे अपने आज का छोटा सा राइड पे। एंड लेट्स गो। और हम बहुत गरीब हैं अभी, क्योंकि हमारा YouTube का जो है 40K कंप्लीट होने वाला है। तो इस 40K पे शायद सोच रहा हूँ कि कुछ सेलिब्रेट करूँगा। आफ्टर दैट 50K पे कुछ स्पेशल होगा आप लोगों के लिए, जो इतना मुझे सपोर्ट किया आज तक, उसके लिए सबको थैंक यू। मेरा 40K फैमिली जो होने वाला है उसका तो सेलिब्रेशन होगा ही, बट 50K पे कुछ अलग करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा खुद के लिए किया है। तो 50K पे कुछ दूसरों के लिए भी करना बनता है ब्रो। तो चलो, हमारा मिस्टी बाजा आ चुका है, चला गया, तो अभी चलते हैं और घूम के आते हैं। आज उसका गांव थोड़ा सा पहली बार है वो भी इसके घर पे। इसको देखो ज़रा, विदाउट उसका कोमला ब्यूटी कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है ये। लेकिन भाई ऐसा उसे जो खींच रहा है ना बंदा, वो बोलना पड़ेगा भाई। इतना बड़ा रोड है, ठीक है, मैं चला रहा हूँ अपनी लेन पे, तो एक बंदा अपना गाड़ी लेके सीधा मेरे तरफ ही आ गया, तो मैं क्या जंगल पे चलाऊंगा क्या भाई। तो आप सब लोग मेरा जो ब्लॉग है कहाँ से देख रहे हो आप सब लोग नीचे कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पे देखा जा रहा है। 50K पे कुछ स्पेशल करना है, तो करना है मतलब करना है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जल्दी कर दोगे। एंड अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मेरे ये चैनल पे मैं अपना फोटो ब्लॉग वगैरह और शूटिंग का ब्लॉग थोड़ा वगैरह डालता रहता हूँ। बंदे को देखो अभी क्या कर ये बंदा क्या है, इतना खुशी क्यों है इसका भाई, इसका लाइफ में खुशी ही खुशी है, मजे ही मजे है। देखो देखो जी, अपनी दुनिया में मस्त है ब्रो। तो भाई लोग बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें हैं, ये अभी ब्लॉग स्टार्ट करेगा, कब से गोप्रो लगा के बस नमूना करके आ रहा था, तो अभी माइक वगैरह सेटअप कर रहा है, वो भी बरमुरा के जंगल में। अभी हम बरमुरा पे एंट्री कर चुके हैं, बहुत ठंड भी लग रहा है। जितने बार भी इधर तेलमरा साइड को आते हैं, तो ये हमारा अड्डा है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं। आज तो फिलहाल गर्मी है, तो देखते हैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेंगे।
अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और थोड़ा अभी माउंटेन ड्यू वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर से अपना राइड को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ राइड नहीं है, मतलब उसके घर पे जा रहा हूँ आज पहली बार। तो एक चीज़ दिखाना था आप लोगों को, इसने मुझे एक गिफ्ट दिया, सो थैंक यू लिग्निन ये गिफ्ट देने के लिए मेरे को। अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो इसको। वाह भाई वाह, आई रियली एंजॉय दिस ब्रो। हाँ ये तो ऐसे चलने वाला है, देखो देखो अभी जाएगा। तो हमारा दोपहर का लंच वगैरह हो चुका है, मतलब लंच नहीं है, बस थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया। अभी चलते हैं फिर से फिलहाल अपना ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। फाइनली वो एंटर टेलमोरा मार्केट, तो अभी जाएंगे उसके घर पे, हमारा मिस्त्री दादा के घर पे। पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा वाला लोकेशन पे बाइक ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ भाई अलग ही एक्सपीरियंस हो गया इधर, इसमें फर्स्ट टाइम मैं इन लोगों के गांव पे आया हूँ। और यहाँ पे देखा बहुत अच्छा लग रहा है, अलग ही मज़ा है इनके एरिया पे। जो रोड वगैरह देखने में लग रहा है कि हम त्रिपुरा पे नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। रोड का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है, बट फिर भी लोकेशन मस्त है, लोकेशन मस्त है। जो मेरा टायर है वो स्लिप कर रहा है, बिकॉज अपोलो का है तो ऑफ रोडिंग के लिए इतना बेटर नहीं है। भाई किसी को फ्री का मेकअप करवाना है तो इधर आ सकते हो, फ्री का मेकअप चल रहा है यहाँ पे। को इधर से जाने का मन, रोड भी खत्म नहीं हुआ भाई साहब, सच में ऑफ रोडिंग करवा दिया रे इसने। इसका रोड घर का रोड आया, लेकिन ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो गया और चेहरा का हालत देख सकते हो, पूरा मिट्टी से लटपट है। वाह चेन का आवाज़। तो इसके गांव पे आया है तो थोड़ा मस्ती तो बनता है, अभी दिखाऊंगा हम क्या मस्ती करेंगे। इनको ता है पारा सो यहाँ के नहीं को हाय रोक्सी यार, इससे फिर दो इंच थे पिला गाइस से ग्रीस आउट बालंग। वाह तो स्केटबोर्ड में सॉन्ग तुम ओके। सो गाइस अभी ऐसे कुछ लोकेशन पे रुका हुआ है, रुके हुए हैं एंड यहाँ में अपने दो बीटीज को तो देख ही पा रहे, यहाँ में अपने दो बीटीज को तो देख ही पा रहेंगे। बट अभी फिलहाल अचानक से आसमान से तब का खजूर में अटका ऐसे कुछ, ऐसे कुछ चीज़ अपने हाथ में लग चुका है एंड अपना बालंग उसको यू नो अनबॉक्सिंग भी कर चुका है। तो ये चेक करो गाइस, 1 2 3 go wow
लामा सिपाही कोई और चीज। तो भाई ने मुझे ऐसा रोड लाया, अभी सोच रहा हूँ कि घर पे जाके मुझे शायद बिम्बर या फिर टेलीविजन स्थापन से नहाना पड़ेगा। टेलीविजन स्थापन ऐसा वाला रोड है और पूरा खत्म है हालत, देख सकते। वैसे तो काला ही, अभी और भी काला हो चुका हूँ। और पीछे से ये मेरा शादी का गाड़ी आते हुए। सो यार, हम अभी पहुँच चुके हैं हमारे मिस्ती बाजा के घर पे और लंच वगैरह कर लिया, बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। तो हो गया था नहीं, अच्छा है ना, ऑर्गेनिक है ना सब कुछ, बहुत ही मज़ा आया खा के। वैसे भी अभी हो चुका हूँ तो इसको कम करना पड़ेगा। मिस्टी बाजा के गांव पे पहुंच तो चुके हैं, अभी ये इसका वेडिंग के लिए रखा है। कालबर इसका वेडिंग के लिए रखा है ब्रो, वो भी दो दो एक से काम नहीं होगा। पारा कोटो में बोले पारा तुम शादी भाई मांगे। तो अभी मैं घूम रहा हूँ इसकी गार्डन पे, हमारा मिस्टी बाजा का गार्डन देखो कितना भरा है भाई, कितना भरा है, इसका दिल जैसा भरा है इसका गार्डन। सब ऑर्गेनिक फार्म करता है यहाँ पे, तो देख सकते हो आप लोग पीछे भी बहुत कुछ है। और इधर छोटा सा एक नदी है, पता नहीं मुझे किधर लेके जा रहा है सुस्तो बाबे। आज के लिए इतना ही, अभी हम घर पे जाएंगे फिर से। रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है एंड फ़ोन का बैटरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म होने को है। तो अभी घर पे जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे और शाम को थोड़ा फिर से निकलेंगे, वो घर के पास ही है। एंड आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग, एंड अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अच्छी वीडियो लाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, एंड 40K फैमिली भी बहुत जल्दी होने वाला है। एंड थैंक यू सब लोगों को फिर से इतना सपोर्ट करने के लिए। बट 50K पे कुछ खास करना है हमें, मतलब कुछ हट के करना है। सो जितना भी किया खुद के लिए किया, अभी 50K पे दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो अभी उस टारगेट पे मैं चल रहा हूँ। एंड थैंक यू ये ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों को, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। टाटा एंड बाय बाय। कम आता नहीं दिस्ता खाजा ना करना हम लोग वीडियो सुना ना बगे ऐसा साइड तो समझ नहीं, ये तो बोलता था।